नहीं, नंबर के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ा हूँ ना कभी दौड़ूंगा, लेकिन लोगों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने जिस विश्वास से मुझे बरौली भेजा था, उस विश्वास को और प्रामाणिकता से काम करने के पश्चात जो आपके सभी के सामने लगातार पिछले 3 वर्षों से मैंने जो काम किए वो रखे, और आप लोगों ने जिस तरह से बोरीवलीकरों ने जिस तरह से सभी कार्यक्रमों को सराहा, उल्लेखनीय जो काम हमारी सभी के टीम ने मिलके किए, और आज बोरीवली में मुझे आनंद होता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्केटिंग रिंग, इन्हें सही मायने में तो ये दूसरा है बोरीवली के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्केटिंग रिंग, उसी के साथ साथ बॉक्सिंग और उसी के साथ साथ बास्केटबॉल, ताइक्वांडो और जूडो ये हमने उसमें जोड़ दिया है। बहुत ही आधुनिकता से काम करने वाले और इस देश को आधुनिकता के माध्यम से आधुनिक भारत बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता को हम वास्तविकता में उतारने का काम हम सभी लोग करते हैं, और मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य आप सभी ने देखा है, और ये दृश्य इसी चिर परिचित बोरीवली के नागरिकों का है जिनके आज के आधुनिक पीढ़ी के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होके इस मैदान पे उपस्थित। विधायक जी, कुछ स्केटिंग के लिए चार्ज रखा जाएगा? अभी स्केटिंग के लिए फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसको सीखने के लिए अलग अलग स्केटिंग्स होती है, जैसे इनलाइन स्केटिंग्स होती है, स्पीड स्केटिंग्स होती है, और इसके लिए अलग अलग ट्रेनर्स रखे जाएंगे, और ट्रेनर्स के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी अलग अलग स्केटिंग्स कैसे करते हैं। और विशेष रूप से बोरीवली की एक छोटी बच्ची जिसका नाम भूमि शिखर है, उसी को प्री ओलंपिक्स के लिए बोरीवली से, जिसकी उम्र 8 साल की है, उसको सिलेक्ट किया गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बोरीवली ये स्पोर्ट्स का, खिलाड़ियों का एक नगर बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास। स्पोर्ट को लेकर दो और प्रकल्प का आपने कहा, राइफलिंग के लिए और हॉर्सिंग के लिए। राइफल क्लब का उद्घाटन सम्माननीय देवेंद्र जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके हाथों से करना है। इसके लिए 26 जनवरी तारीख मैंने तय की है प्रजासत्ताक दिन की, या फिर उसके आगे पीछे 2-4 दिनों में राइफल क्लब का उद्घाटन बोरीवली में, पहला बहुत ही सुंदर राइफल क्लब। जैसे हम जानते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से अपनी नेमबाज अंजलि भागवत पूरे देश से लेके विदेश तक पहुंची थी, अपने राघवेंद्र सिंह और राठौड़ वो भी पहुंचे थे, अलग अलग, जिसमें हम कहते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स का एक नया नज़रिया, नया दरिया हम देखते हैं। और राइफल शूटिंग क्लब और आर्चरी क्लब ये बोरीवली के शिमपोली में, जहाँ पर हमारी अंजलि दाई केडकर नगर सेविका है, वहाँ पर आने वाले 20 दिनों में शुरू होने वाला। सर, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? अभी ये आपने देखा, इसको बनाने में मुझे 1 साल लगा, राइफल शूटिंग क्लब बनाने में करीबन 6-8 महीने लगे, जिसके बाहर का जो गार्डन है उसको अभी बनाने में और 1-2 महीना लगेगा। मैंने महानगर पालिका के आयुक्त सम्माननीय श्री इकबाल सिंह चहल जी को ये दरखास्त की है, अनुरोध किया है कि वर्ली के बाद, ऐसा है कि आप सभी ने देखा ओलंपिक्स में घोड़ों का महत्व है, घोड़े सवारी का, घोड़े ऑब्स्टेकल्स पार करके जाते हैं उसका, इसके लिए घुड़सवारी बोरीवली में हो बच्चों के लिए, इसका मेरा प्रयास है। और मेरा विश्वास है कि महानगर पालिका के कायदे कानून में हॉर्स राइडिंग के लिए जगह नहीं थी, लेकिन बोरीवली के मैदानों को देखते हुए एक मैदान बोरीवली में नए रूप से घुड़सवारी के लिए, बच्चों के लिए हम बनाने वाले हैं, और आप सबको उसका न्योता दे। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इन्होंने चंद दिनों पहले जो घोषणा की थी, जिसमें विरार से लेके, मैंने वर्सोवा से लेके विरार के समुद्र मार्गी रास्ते का उल्लेख है, उसी के साथ साथ ठाणे कोस्टल रोड का उल्लेख है, उसी के साथ साथ बहुत सारे रास्तों का निर्माण है, उसी के साथ साथ बोरीवली से गोराई, ये जो ब्रिज बनने का लक्ष्य हमारे सम्माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने भी रखा था, जो बोरीवली में रहते हैं उनको गोराई में जाना, गोराई गांव में रहते हैं, मनोरी गांव में रहते हैं, जहां पर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है, अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा, ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी, ब्रिज बने तो नागरिकों को सेहत और आरोग्य के लिए अस्पताल का निर्माण होगा, और इस सब के लिए ब्रिज की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं तो हजारों लाखों लोग मानते हैं। और यहाँ से जो आदान प्रदान व्यवहार की चीज़ें हैं वो होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, और गोराई मनोरी में रहने वाले लोगों को भी आरोग्य की सेवा सुविधा मिलेगी, अच्छे स्कूलों में आना जाना होगा, आदिवासी इलाका है, बहुत सारे आदिवासी पाड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों का
शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा लगाव है और आज आधुनिकता से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सबको याद होगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ धोला से सदिया सबसे बड़ा पुल जब निर्माण हुआ तो करीबन 150 से 200 किलोमीटर लंबा जाने का रास्ता कम हुआ, 15 मिनट में वो रास्ता पार होता है। आज अगर आपको गोराई गांव जाना है या फिर गोराई गांव या मनोरी में किसी नागरिक की कुछ कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या फिर बीमार गिरते हैं तो यहाँ से एम्बुलेंस जाने के लिए 36 किलोमीटर लगते हैं। और इसके लिए मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों को लगता है ब्रिज की आवश्यकता क्या है, लेकिन ब्रिज होगा, ब्रिज की आवश्यकता बहुत सारे लाखों लोगों को है, पर्यटन भी होगा, बोट की सुविधा भी होगी, बोट में से भी पर्यटक जाएंगे। आने वाला समय या आधुनिकता के माध्यम से एक आधुनिक भारत, इस भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, उन्हीं के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हम सब कार्यकर्ता ये आधुनिक भारत की नींव रखने का काम हम सब मिलकर करें और एक आधुनिक भारत का निर्माण करें, ऐसी मेरी इच्छा।